हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जिसे ईस्ट इंडिया के एजुकेशन, कमर्शियल और कल्चरल सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के बारे में। सिटी ऑफ जॉय के नाम से फेमस कोलकाता ट्रू सेंस में एक कंप्लीट पैकेज है, जहाँ आपको काफ़ी सारे टूरिस्ट पैलेस के अलावा सीनिक ब्यूटी, बंगाली स्वीट एंड इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट दुर्गा पूजा देखने को मिलती है। यहाँ आपको काफ़ी क्रोरियर आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। टॉप 1 पे है विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है वो है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल अनडाउनली क्रोरियल इलाके वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर में से एक है। 96 में स्टार्ट होकर 1922 तक बने इस विक्टोरिया मेमोरियल को इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था, जो कि वाइट मार्बल से बने ब्रिटिश और मुगल स्टाइल स्ट्रक्चर का बेहतरीन उदाहरण है। विक्टोरिया मेमोरियल में रात में लाइट स्नो भी ऑर्गेनिक होता है, जिसका नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है। विक्टोरिया मेमोरियल विजिट किए बिना कोलकाता की ट्रिप बेकार है। टॉप 2 पे बिरला प्लेटिनियम। अगर आपको स्पेस इन साइंस में इंटरेस्ट है तो कोलकाता के बिरला प्लेटिनियम में तो आपको जरूर जाना चाहिए। बिरला प्लेटिनियम 1936 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनग्रेट किया गया था। टॉप 3 पे है न्यू टाउन इको पार्क। 480 एकड़ में फैला न्यू टाउन इको पार्क इंडिया का सबसे बड़ा और बेस्ट इकोलॉजी पार्क है। ये बहुत ही बड़ा रिक्रिएशन पार्क है, जहाँ काफ़ी सारी आउटडोर एक्टिविटीज भी अवेलेबल है, जहाँ आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हैं। टॉप 4 पे है मार्बल पैलेस। 19वीं सेंचुरी का प्राइवेट मेंशन है, जो कि अपने आर्किटेक्चर और हिस्ट्री की वजह से काफ़ी फेमस है। टॉप 5 पे है निको पार्क। निको पार्क इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम पार्क है। अगर आप कोलकाता आकर फन और एडवेंचर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो निको पार्क आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। टॉप 6 पे है इंडियन म्यूजियम। कोलकाता में स्थित कोरियल एरा का ये म्यूजियम, जिसे पहले इंपीरियल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता था, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम है। टॉप 7 पे है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कोलकाता का ही नहीं बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल का मेन हाईलाइट है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता के हुगली नदी के ऊपर बना है, जो कि कोलकाता और हावड़ा सिटी को कनेक्ट करता है। अगर आप कोलकाता आकर किसी शांत सुंदर नेचर के बीच जगह विजिट करना चाहते हैं तो आपको बोटानिकल गार्डन जरूर जाना चाहिए। बोटानिकल गार्डन का सबसे स्पेशल बनाती है वो है यहाँ का द ग्रेट वेनिलिटल ट्री। टॉप 9 पे है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। कोलकाता में काली माता का काफ़ी मान्यता है और इसीलिए यहाँ काली माता के काफ़ी मंदिर भी है, और उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। इस मंदिर को 1985 में काली माता के डबट्री रानी रसोनी द्वारा बनवाया गया था। टॉप 10 पे है बेलूर मठ। बेलूर मठ एक बहुत ही फेमस टेंपल है, जो कि अपने यूनिक आर्ट स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। बेलूर मठ का आर्ट स्ट्रक्चर हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और इस्लामिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।